अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे हैं आप लोग होंगे, और अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा ही रखे और बुरों से बचाए और बुराई से भी बचाए। जनाब, अब हम लोगों ने जिस टॉपिक की तरफ आना है, जो काम करना है, वो सेकेंड ईयर की बुक हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। और आप में से बहुत से शहजादों ने मेरे से कांटेक्ट कर लिया था, और जो उनको प्रॉब्लम होती है, इवन के व्हाट्सएप पे मैं उनको आंसर्स भी दे रहा हूँ, और जो उन्होंने एमसीक्यूज़ की डिमांड की है, मेरा बेटा वो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊँगा इंशाल्लाह। और अभी आप लोगों को ये चीज़ भी पता होगी कि जो एमसीक्यूज़ वगैरह की वर्कशीट वगैरह होगी, उनका जो सोल्यूशन है या उनके बारे में जो डिस्कशन है, सिंपली वो भी आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को अवेलेबल होगी। सो मेरा बेटा, हमारे जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट्रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम बात करते हैं चार्जेस की, एट्रेस्ट, इसको हम नाम मेरा बेटा दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट्रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्जेस, ये चेंज, एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। Under the action of electrostatic force, इसको हम मेरा बेटा नाम देते हैं electrostatics का। अब मेरे बच्चे, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि numerically के MCQs में अगर आप लोगों से पूछ लूं कि the existence of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी मौजूदगी है। अब हमेशा कहते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब उस एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसको आप लोगों को विजुलाइज करना है कि यार हर एक चीज, हर यूनिवर्स में जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर मौजूद हैं, या किसी भी चीज की कंपोजिशन में आते हो, तो सबसे उसका बेसिक एलिमेंट कौन सा होता है। तो मैं यही इसलिए लिख रहा हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट primarily because of option A, option B, option C and option D। मैं चार options आप लोगों के सामने लिखता हूं मेरा बेटा। First one is electric force, second one is magnetic force, third one is gravitational force and nuclear force। electric force है जी, magnetic force है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर आपके पास न्यूक्लियर फोर्स आता है। सो यहां से आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है। बड़े अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का आपको पता है किसी भी नेचर के बारे में, तो उनमें मौजूद फोर्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। इनके कमेंट्स नहीं आ सकते सामने जी मेरा बेटा, जरा सोच के बताइएगा क्या आंसर आता है इसका। जल्दी करें मेरा बेटा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जी, इलेक्ट्रिक फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आप लोगों ने कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान भी जो चीज फोर्स मौजूद है, उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और मैटर को आपस में कंपोजिशन में जो कंपोज रखती है, वो भी फोर्स आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और उसके अलावा मेरा बेटा, आपके पास
अगर किसी भी मैटर की मैं बात करूं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्योर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कम इलेक्ट्रॉन है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज हमें बताती है उसका चार्ज। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज शो नहीं हो रहा होता। तो हमारे पास मेरा बेटा, फिर आपके पास क्या गया, मैटर जो चीज बता रही है वो ये चीज बता दी कि आपके पास मैटर के अंदर कितने कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज, आपके पास एक कूलम्ब होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं मेरा बेटा वो कूलम यूज करते हैं। और कूलम के लिए याद रखना कि कूलम आपके पास एक डराइव्ड यूनिट है। चले मेरा बेटा, जजाकल्लाह, अगर कमाल लग रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको बड़ी अच्छे से मेरा बेटा बात पता है इस चीज के बारे में। टू टाइप ऑफ चार्जेस की बात करें तो एक आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा आपके पास नेगेटिव है। गलत बात कर दी जनाब, मोहम्मद साहब रोज ही नहा के आते हैं यार, वो हेलमेट में जरा आगे पीछे हो जाते हैं। खैर, सारे मेरे छोटे बहन भाई हो तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई वल्गैरिटी वाला वर्ड मेरा बच्चे ना निकले। तो इसलिए मेरा बेटा अगेन बात करते हैं। अब क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्यूज इक्वल टू एन ई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ये क्वेश्चन हम हमेशा डेवलप करते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो 10th क्लास में भी आप लोगों को इस चीज के बारे में बड़े अच्छे से पता था कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है। और वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है मेरा बेटा वो था 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 कूलम। इसमें मैंने ये कोशिश की कि मैं पहले आप लोगों को थ्योरी के बारे में थोड़ा सा कंप्लीटली बता दिया करूं और उसके बाद मैं कोशिश किया करूं मेरा बेटा कि आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज उससे रेलिवेंट थ्योरी के बने वो लास्ट में हुआ करें। इसी तरह मेरा बेटा आपको बड़ी अच्छे से ये चीज पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज, जितने भी हमारे लाइक चार्जेस आते हैं दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव, हमेशा रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो हमेशा आपस में अट्रैक्शन होती है। अब एक और एमसीक्यूज जो आप लोगों के सामने मैं पूछना चाह रहा हूं, आज रही होगी, एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द रबिंग टू मटेरियल्स और बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखना चाहता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद एन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद एन अनदर ऑब्जेक्ट, इज रब्ड विद एन अनदर ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, एनगेट्स पॉजिटिवली चार्ज, एनगेट्स पॉजिटिवली चार्ज, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जा रहा है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो रहा है, इट मींस कि जब किसी भी एक एटम के अंदर से या किसी भी न्यूट्रल एटम में से पॉजिटिव चार्ज निकलता जाएगा तो उसमें से, जरी सी बात है, जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इट मीन जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सो इट्स मैस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बताएं कि उसके मैस में कोई फर्क आएगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का मतलब कि आप देखेंगे आप छोटी सी भी वेरिएशन है उसको भी बताएं कि वो इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा, डिक्रीज करेगा या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इंक्रीज डिक्रीज सेम और कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इंक्रीज डिक्रीज सेम और कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड या फिर उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आप लोग मुझे इसका आंसर मेरा बेटा जल्दी से बताएं ताकि फिर नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। डिक्रीज, नो, यस, डेफिनेटली आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो डिक्रीज का आएगा, बी इज द बेस्ट ऑप्शन। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आप लोगों ने। अब मेरे बेटे नेक्स्ट आप लोगों से सवाल ये करता हूं कि ड्यूरिंग अ लाइटनिंग फ्लैश, जब आसमानी बिजली चमकती है, द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स यूजली बिकम्स, जो नीचे वाला पोर्शन होता है क्लाउड्स का उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एंड पार्ट ऑफ द अर्थ अंडर क्लाउड्स बिकम, और जो अंडर क्लाउड्स जो पाथ आ रहा होता है या पोर्शन आ रहा होता है क्लाउड्स का वो क्या होता है, नेगेटिवली होता है या पॉजिटिवली होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा। इसको मेरा बेटा मैं रेज कर देता हूं, ड्यूरिंग अ लाइटनिंग फ्लैश पूछा गया आप लोगों से,
द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? एंट. द पोर्शन एंड द पोर्शन ऑफ द अर्थ बिलो द क्लाउड्स एंड पोर्शन ऑफ अर्थ अंडर क्लाउड्स ऑप्शन लिखते हैं, आंसर केस का होगा. तो मेरा बेटा, आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है, वो ये है कि आपके पास जो लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है. एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिर लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ जो इस क्लाउड्स के नीचे आ रहा था उसके ऊपर भी क्या आ जाता है मेरा बेटा? पॉजिटिव. तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि आपके पास क्लाउड्स के लोअर पार्ट के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है और अर्थ का जो पार्ट आ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है. तो नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. मैंने डायरेक्टली लिख दिया. ओके, इसके बाद बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है कि जब आपने एक टेस्ट चार्ज करना हो, ये चीज का टेस्ट करना हो कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का? सो विच वन इज द श्योर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी? और ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को पता भी होना चाहिए. So, which one is a sure test for the presence of a charge on a body? Which one is the sure test for the presence of a charge on a body? For the presence of charge on a body. So, attraction है या रिपल्शन है? है इन दोनों में से एक ही. तो लेकिन आप लोगों को यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए. लाइक मैं अगर ये बात करूं मेरा बेटा कि मेरे पास जी गोल्ड इफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो उसमें आप लोगों ने यह चीज बड़ी अच्छे से पढ़ी थी कि रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कि जब ये जो अट्रैक्शन है ना मेरा बेटा, अट्रैक्शन न्यूट्रल और चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान भी है, न्यूट्रल या अच्छा दो चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान में भी अट्रैक्शन होती है. मतलब अट्रैक्शन वहीं पे भी हो रही है जहां पे चार्ज मौजूद नहीं है और अट्रैक्शन वहां पे भी हो रही है जहां पे चार्ज मौजूद है. तो इट मींस रिपल्शन इज द ओनली टेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी. रिपल्शन हमेशा वहां पे होती है जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या मौजूद होता है मेरा बेटा? चार्ज मौजूद. जी बिल्कुल ठीक फरमाया आप लोगों ने. सो अब मेरा बेटा हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की. सो कूलम्स लॉ ने जो लॉ दिया था वो कैलकुलेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फोर्स की फोर्सेस कितनी होंगी और कितनी नहीं होंगी उसके बारे में मेरा बेटा बात करते हैं. इसको मैं रेज कर देता हूं. इससे पहले रेलिवेंट अभी स्टार्ट से पहले जितने एमसीक्यूज थे मेरा बेटा पॉसिबल वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं और कैसे कैसे इसके बारे में पूछे जा सकते हैं. सो तो मेरा बेटा हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं. अब मेरा बच्चे सबसे पहली बात तो ये कूलम्स लॉ की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन एस. क्या फार्मूला है मेरा बेटा आपके पास? फार्मूला आपके पास जिस तरह आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, इस तरह न्यूटन्स आपके पास कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. सो मेरा बेटा उसको हम नाम देते हैं कूलम फोर्स का. जैसे कि आप ये बात करते हैं ये पॉइंट आपके पास क्यू वन है, ये पॉइंट आपके पास क्यू टू है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक मेरे पास ये दोनों फोर्सेस, अगर ये फोर्स यहाँ पे लगने वाली फोर्स ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ टू वन का, या फिर इसको नाम दे देते हैं एफ वन टू का. दोनों फोर्सेज आपस में
म्यूचुअल फोर्स होती है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों ने इसके अंदर ये चीज हमेशा पढ़नी है। मैं पॉइंट वन लिखता हूं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट हमेशा इसके बारे में जो पढ़ा होता है वो यही है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन और क्यू टू इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज। कि अगर आप इन दोनों मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड अगर बदल दो, मतलब तो फोर्स क्या हो जाएगी, जहरी सी बात है मेरा बेटा, डबल हो जाएगी। अगर आप मैग्नीट्यूड चार्जेस इसको डबल कर देते हैं तो फोर्स अगेन क्या कर जाएगी, फोर टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं एफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज इज डबल। कि अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को बदल दो, डबल डबल कर दो, तो डेफिनेटली आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स इज ऑल्सो डबल। तो एफ प्राइम आपके पास किसके को आ जाएगा बेटा, टू एफ के। उसके बाद इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल, किसी एक का बदलने से तब भी फोर्स क्या हो जाती है, डबल। लेकिन अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड बदल देते हो, अगर आप दोनों का बदल, सो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, फोर टाइम्स हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट की तरफ मेरा बेटा चलता हूं। सेकंड पॉइंट में आप लोगों ने हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा होता है इसका, इस क्वेश्चन को कंबाइन करने के लिए एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देते हो तो डेफिनेटली आप देखो यहां पे डिस्टेंस को डबल करने से, दो चार्जेस के डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स तो डिक्रीज ही करेगी। अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, लाइक आर की जगह पे टू कर देते हो, तो ये आ जाएगा वन ओवर फोर। इट मींस कि जो आप लोगों की जो फोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये फोर टाइम डिक्रीज कर जाएगी, रिड्यूस बाय फोर टाइम्स। So, doubling the distance, या doubling distance will reduce force by four times. अभी मैं ये पॉइंट बताता जा रहा हूं मेरा बेटा, फिर उसके बाद इससे रेलिवेंट MCQs आप लोगों ने मुझे बताने। Doubling the distance, reduce force four times. So, doubling the distance will reduce force four times आ गया मेरा बेटा आपके पास। उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरा बेटा। थर्ड पॉइंट में हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, और अगेन वहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, ये टू पॉइंट लिखे थे, अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूं। पहले हमने उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर। तो मेरा बेटा यहां पर आप लोग क्या चीज लिखोगे, अब ये लिखते हैं अगर मैं डिस्टेंस को भी डबल कर दूं, जो कि ये डिस्टेंस इसको भी डबल कर दूं और फिर फोर्स को भी डबल कर दूं, दोनों फैक्टर्स को एट अ टाइम डबल कर दूं, जैसे कि पहले वन वन था, ये भी वन वन था, फोर्स की वैल्यू कुछ आंसर आ रहा था, अब इसका आंसर दोनों को, मतलब दो मैग्नीट्यूड्स भी चेंज कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, और फोर्सेस को भी डबल कर देता हूं, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स के ऊपर कम होगी डिक्रीज होगी। मैं ये लिखता हूं कि अगर डिस्टेंस इज डबल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज ऑल्सो डबल, इफ डिस्टेंस इज डबल एंड मैग्नीट्यूड फॉर बोथ चार्जेस इज ऑल्सो डबल, तो भैया क्या होगा आपके पास, क्या आंसर बनता है, क्या नहीं बनता। सो क्या होगा डबल, तो फोर्स देन मैं सिंपली ये बात लिख सकता हूं कि एफ विल रिमेन सेम। कैसे सेम रहेगी मेरा बेटा, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब ऊपर भी फोर्स फोर टाइम्स है और नीचे भी फोर्स फोर टाइम है, तो टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू फोर ओवर फोर आंसर आपके पास मेरा बेटा क्या बनेगा, सिंपली ये चीज बन रहेगी, टू और नीचे फोर आ रहा है, तो फोर डिवाइडेड बाई फोर आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन। फोर्स में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आप लोगों ने, रिमेन सेम। अब आ जाते हैं मेरा बेटा इसका लास्ट पॉइंट, जो कि फोर्थ पॉइंट है, जिसे हम यहां पे सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब कांस्टेंट के ऊपर आते हैं, जिसे हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, के इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट।
के इज कॉल्ड कूलम्स कॉन्स्टेंट। अब मेरा बेटा कूलम्स कॉन्स्टेंट की जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है? कूलम्स कॉन्स्टेंट की जो डिपेंडेंस है, मैं ये लिखने लगा हूं मेरा बेटा, ये पॉइंट जरा आपने जहन में रखिएगा, यूनिट्स ऑफ फोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस एफ क्यू एंड आर, इनके यूनिट्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। इसके अलावा आपके पास अगर हम वैक्यूम के अंदर चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं, दरमियान में एयर है या कोई किसी किस्म का अनदर कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम मौजूद नहीं है, तो के वैक्यूम के लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है मेरा बेटा 1/4 πε0 के इक्वल, और जिसका आंसर आपके पास आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ये जब हम हमेशा बात कर रहे होते हैं किसकी मेरा बेटा, वैक्यूम की स्टैंडर्ड की, जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर और देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम जो होती है फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू होती 8.85 × −12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास मेरा बेटा इसकी वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट की। और इन केस अगर दरमियान में किसी किस्म का चार्ज के दरमियान में मीडियम आ जाता है, मीडियम बिटवीन चार्जेस, इफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, तो जहरी सी बात है ये चीज तो क्लियर है कि आपका जो इलेक्ट्रिक है वो कम हो जाएगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू कम होगी। क्या होगी कि आपके पास के मीडियम, अब जो वैल्यू आएगी वो के वैक्यूम डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक, मतलब ई आर जो फैक्टर हमारे पास आता है उससे वो वैल्यू का क्या आ जाएगा मेरा बेटा, डिक्रीमेंट आ जाएगा, उस वैल्यू इतनी वो कम हो जाएगी। आप मेरा बेटा सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लें, कि अभी इसके मजीद दो कूलम्स लॉ के दो पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर मैं इसके सवालात के ऊपर बात करूंगा, दो या तीन पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद, दो नहीं तीन चार पाँच पॉइंट और पॉइंट कर लेंगे, ताकि जितने भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं या बनते हैं वो सारी चीज़ें टाइमली हमारी क्लियर हो जाएं। सो मेरा बेटा आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं वो आप ले लें। चलिए मेरा बेटा मैं इसको रेस कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट की हमने बात कर ली थी, जो जो चीज़ें डिस्कस करनी थी बता दी थी, आप फिफ्थ पॉइंट की तरफ आए। मेरा बेटा वह तो साइड पे भी हुआ था, इसीलिए मेरा बेटा अगर आपकी स्क्रीन पिक्सल क्लियर नहीं है क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया करें, वीडियो क्वालिटी को चेंज करें और अपने पेज को रिफ्रेश कर लें ज़रा काइंडली। तो अब मेरा बेटा हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही थी, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, इस कूलम्स लॉ को हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम आते हैं जी जनाब अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ। पाँचवा पॉइंट हमारा ये कहता है कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। हमने ये एग्जाम्पल ली थी क्यू वन और क्यू टू, हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एक इस पर फोर्स लग रही है और एक इस पर फोर्स लग रही है, एक को हमने नाम दे दिया एफ वन टू का और एक को हमने नाम दिया एफ टू वन का। उसके बाद हम इन चार्जेस की अगर वैल्यूज भी लिख लेते हैं, जो क्यू वन मेरे पास 5 μC है और ये मेरे पास 10 μC है, इस तरह कुछ को लिखा। खैर अब इसके डायरेक्टली पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं, ये चीज़ पहले भी लिखी हुई थी कि आपके पास ये एक म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल का दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, सबसे पहली बात तो ये कि मेरा बेटा आपके पास F12 इज इक्वल टू F21,
लेकिन ए के साथ साथ नेगेटिव लगाते क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है मेरा बेटा आपके पास ऑपोजिट होती है। इसके अलावा अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं ये तो वेक्टर की फॉर्म में मैंने लिखा दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो एफ वन टू विल बी इक्वल टू एफ टू वन, तब उसके दरमियान में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये चीज़ हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हो तो तब दरमियान में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो तो दरमियान में फिर नेगेटिव साइन आता है। इसी तरह मेरा बेटा अब 6 पॉइंट की बात करते हैं कि व्हेन देयर इज अ डायलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस, तो एक्चुअली क्या होता है, व्हेन देयर इज डायलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस, अगर चार्जेस के दरमियान में डायलेक्ट्रिक मौजूद हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा बेटा आप हमेशा याद रखिएगा कि अब मीडियम की वजह से या डायलेक्ट्रिक की वजह से जो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो ईआर फैक्टर के साथ डायलेक्ट्रिक के साथ कम हो जाती है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं हम लोग मेरा बेटा। और फॉर इंसुलेटर ये चीज़ याद रखिएगा, फॉर जितने भी इंसुलेटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे एज ए डायलेक्ट्रिक, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू उनके लिए हमेशा ग्रेटर देन वन होगी, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू उनके लिए हमेशा ग्रेटर देन वन होगी। अच्छा मेरा बेटा मैंने ये बात की कि अगर आप बात करें कि अगर आपके पास इंसुलेटर्स एज ए डायलेक्ट्रिक यूज़ किए जाते हैं तो रिलेटिव परमिटिव की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी, एंड फॉर द अदर फॉर कंडक्टर्स अगर मैं बात करूँ मेरा बेटा, तो फॉर कंडक्टर्स ये बात कही जाती है कि आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी तकरीबन एप्सिलॉन मतलब बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी की तक चली जाती है। अब मेरे बेटे यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जब भी कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया जाता है तो जो फोर्स की वैल्यू आती है वो हमेशा वैक्यूम की वैल्यू से कम आती है। मेरी कोशिश मेरा बेटा यही होती है कि मैं आपको हमेशा उस बात का जवाब दूं जो बिल्कुल आप लोगों के लिए, यार एक चीज़ का बुरा ना मनाइएगा, डेफिनेटली आप लोगों की जो सजेशन है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, उसी अकॉर्डिंग ही लेके चलना होता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरा बेटा कि एवरीबडी हैव इट्स ऑन वे टू टीच द सब्जेक्ट, हर बंदे का एक अपना अंदाज होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट और जैसे दे सकता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ देता हूँ। और मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका यही था जो कि उस दिन आप लोगों के साथ हुआ है कि जस्ट पढ़ा दिया जाए और आप लोगों के जो कॉमेंट्स उनको फिर ना देखा जाए, यही बात की जा सकती है। अब मेरा बेटा अगर आपके पास दो फोर्सेज ऑन अ चार्ज क्यू ड्यू टू अदर चार्ज, मतलब आपके पास तीन दो की जगह तीन चार्जेस आ जाते हैं तो टोटल फोर्स वहां पे कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो यही चीजें मेरा बेटा हम लोगों ने बतानी होती हैं जो आप लोगों को बुक से नहीं मिल रही होती, और वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिपीट करवाने होते जिस मेरी बहना ने भी कहा था। सो इफ वन एफ टू आर टू फोर्सेस ऑन अ चार्ज क्यू, एफ वन एंड एफ टू आर टू फोर्सेस ऑन अ चार्ज क्यू, कोई भी चार्ज है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, लाइक मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्यू वन चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू टू चार्ज है वो भी दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों चार्ज इस क्यू के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी मेरा बेटा। तो ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अब हमेशा देन नेट फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू विल बी नेट फोर्स ऑन अ चार्ज किसके इक्वल होगी, जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स और जो आप फिजिक्स में फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में आप लोगों ने वेक्टर्स के लिए रूल पढ़ा था, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ये वाला मेरा बेटा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा, कन्वेंशनली हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, मैं आठवां पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कूलम फोर्स के डिफरेंट पॉइंट्स में समराइज करके इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में ही बात की जा रही है। तो मेरा बेटा आठवां पॉइंट ये कि कन्वेंशनली हम अट्रैक्टिव फोर्सेज
बात करते हैं कन्वेंशनली, मतलब रस्मन हम ये चीज कहते हैं कि जब नेगेटिव रिजल्ट आ रहा होता है तब हमारे पास वहां पे नेगेटिव फोर्सेस, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान और नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जब बात की जाती है तो आपके पास हमेशा अट्रैक्शन हो रही होती है क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस हैं। और जब पॉजिटिव का आपके पास आंसर आ रहा हो, जैसे कि पॉजिटिव आंसर आ रहा हो, तब आपके पास हमेशा फोर्स रिपल्सिव होती है। लाइक जैसे दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट लो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं जब नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा हो तो वहां पे जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव फोर्स होती है। इसी तरह मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं कि अगर नेट रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आ रहा हो तो जो फोर्स होती है वो मेरे पास मेरा बेटा नेगेटिव होती है। अच्छा, इसके बाद बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप लोग कैसे इसका आंसर देते हो। और इतने सारे आप लोगों ने मेरा बेटा जो चीज़ इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो उसको ले सकते हैं। आप लोगों से इस बारे में सवालात करता हूँ और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसका आंसर आप लोगों ने मेरा बेटा देने हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो मेथडोलॉजी आप लोगों के जहन में हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ। अगर दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो एफ हो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंक्रीजेस टू टाइम्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंक्रीजेस टू टाइम्स, दो दफा या टू टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, एंड अ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो 4 है, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू चार्जेस, इज इंट्रोड्यूस्ड तो आप लोगों ने आंसर क्या देना मेरा बेटा, नो द फोर्स बिटवीन द चार्ज विल, नो द फोर्स बिटवीन द चार्ज विल, फोर्स बताएं जनाब क्या होगी, नो द फोर्स बिटवीन द चार्ज विल, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हमने आंसर बताना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखता हूँ और इसको आप सॉल्व करके भी मुझे बताएं। सबसे पहली बात तो ये मेरा बेटा आपके पास f ओवर 4 या 4f या f ओवर 16 या 16f, क्या इसका आंसर बनेगा, फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज 16 टाइम डिक्रीज कर जाएगी या 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा सबसे पहले मैं इसका हिंट लिखता हूँ कि हमें बड़े अच्छे से पता है कि जो फोर्स होती है k होती है q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब आपके पास अगर रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर अगर आप लोगों ने ऐड करना होता है तो फिर बेटा बेटा ये आ जाता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ एप्सिलॉन r लिख लेते हैं, यहाँ आ जाता है q1 q2 ओवर r स्क्वायर। हमने अपने जो फार्मूला है उसको उसी तरह से मॉडिफाई किया अगर रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर को ऐड करना है। बात ये की जा रही है कि अगर r की जगह पे 2r कर दिया जाता है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2 टाइम्स, अगर f को r को 2r कर दिया जाए तो मेरा बेटा आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू की है वो आपके पास 4 बताएगी, उसको क्या कर दिया जाए 4। तो यहाँ पे जब आप आंसर में इसकी वैल्यूज पुट करोगे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे मेरा बेटा आ जाएगा 4। और उसके बाद अगर हम बात करें Q1 Q2 की और R की जगह क्या आ रहा है मेरा बेटा 2R, उसका भी क्या आ गया मेरा बेटा स्क्वेयर। अब ये देखें 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर तो मेरा बेटा आपके पास क्या आ रहा है बच्चे 4, 2R का स्क्वेयर लेंगे तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा 4R स्क्वेयर। तो एक चीज तो जरा देखो 4 × 4 आपके पास मेरा बेटा क्या होता है 16। यहां से मैं एक दो फोर को अलहदा कर लेता हूं 1 ओवर 16, जब दो फोर को अलहदा कर लेता हूं तो बाकी क्या बच रहा है मेरे पास Q1 Q2 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो मेरा बेटा ये फोर्स तो किसके इक्वल आ जाती है, F के इक्वल आ जाता है, ये आंसर अगेन F ही बन रहा है। तो 1 ओवर 16 इंटू एफ
हमारे पास फिर नई फोर्स आ जाएगी। इस सोल्यूशन को अगर आप लोग बड़ी माजरत के साथ अगर नोट करना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, ताकि आप लोगों को बाद में इसको सॉल्व करते हुए कोई मसला ना हो। What happened? अच्छा मेरा बेटा, अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है जी, मैं साइड पे हो जाता हूँ। मेरा बेटा क्वेश्चन में गिवन है, इफ ये देखो ई आर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फोर, जी मेरा बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने। टू चार्जेस आपके पसंद, दो चार्जेस बेटा, फोर ए एंड ए टी प्लेस फिक्स डिस्टेंस, टू चार्जेस प्लस फोर ए एंड प्लस एट ए प्लेस एट फिक्स डिस्टेंस हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ प्लेस्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो एफ है। इफ बोथ चार्जेस आर गिवन चार्जेस ऑफ माइनस फोर ई, अगर इन दोनों को मजीद चार्ज प्रोवाइड किया जाए माइनस फोर ई, वो चार्जेस माइनस फोर ई आर गिवन, द फोर्स बिटवीन देम, द फोर्स बिकम्स बिटवीन देम, क्या होगी? तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा मेरा बेटा, बहुत ही आसान है आप लोगों के पास। देखो एक आपके पास प्लस फोर ई था और एक आपके पास प्लस एट ई था, आपने इसको मजीद जो चार्ज प्रोवाइड किया इसको दिया माइनस फोर ई और इसको भी दिया माइनस फोर ई, तो प्लस फोर ई और माइनस फोर ई जब एक दूसरे के साथ मिले तो इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्यू की वैल्यू मेरे पास मेरा बेटा क्या आ गई, जीरो। जब एक क्यू की वैल्यू जीरो आएगी तो आपके पास जो फिर फोर्स का आंसर है वो भी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर लिख सकता हूँ कि आपके पास जो उसका बेस्ट आंसर बनेगा वो जीरो बनेगा। वो क्यों बनेगा? मैंने कहा मेरे पास दो चार्जेस हैं फोर ई प्लस एट ई, फोर ई और एट ई, इन दोनों को अगर माइनस फोर ई प्रोवाइड किया जाए तो इनके दरमियान अब कौन सी फोर्स मौजूद होगी, तो इनके दरमियान मेरा बेटा फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
अच्छा मेरा बेटा, सर वॉइस में नॉइज आ रहा है, प्लीज चेक। ओके मेरा बेटा, अगेन मैं एक क्वेश्चन करने लगा हूँ। अगर चार्ज क्यू वन एग्जर्ट सम फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज क्यू टू, इफ थर्ड चार्ज क्यू थ्री इज ब्रॉट नियर द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू वन और क्यू टू एग्जर्ट। मतलब अगर आपके पास क्यू वन एग्जर्ट कर रहा है फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज क्यू टू, चार्ज क्यू वन एग्जर्ट फोर्स ऑन सेकंड चार्ज क्यू टू, क्यू वन क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इफ थर्ड चार्ज क्यू टू इज ब्रॉट नियर, अगर यहां पे कोई थर्ड चार्ज क्यू थ्री इनके करीब लेके आता हूं, इज ब्रॉट नियर, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? द नेट द फोर्स डेट क्यू वन एग्जर्ट्स ऑन क्यू टू, क्या Q1 और Q2 के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तीसरे चार्ज की वजह से फर्क पड़ेगा उस पर? तो मैं ये बात कह रहा हूँ, बेटा आपस Q1 और Q2 एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मैं यहाँ इनके करीब Q3 ले जाता हूँ, क्या इनकी फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, इनकी फोर्स में किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसका आंसर हमेशा लिखेंगे रिमेन सेम। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसको अगर आप लोगों ने ओके मेरा बेटा, मैं दोबारा से ये चीज़ मेरा बेटा बताने लगा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाउंड्री वो रीजन वो एरिया होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, जिस एरिया या बाउंड्री या रीजन में एक ऑब्जेक्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जर्ट करता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। एट अ पॉइंट एग्जिस्ट इफ एक्टिव फोर्स एट अ पॉइंट एग्जिस्ट, अगर वहां पे मौजूद होगी जहां पे क्या होगा, अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ओरिजिन इज एग्जर्टेड ऑन अ स्टेशनरी टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ओरिजिन इज एग्जर्टेड ऑन अ स्टेशनरी टेस्ट चार्ज on a stationary test charge at dead point on a stationary test charge at dead point अच्छा मेरा बेटा, वो मुझे खुद एक चीज अजीब लोग हैं यार, खैर अब समझ तो नहीं आएगी आप लोगों को, थोड़ा सा तेज पढ़ा दे। मतलब मैं यहाँ पे यार कोई भंग थोड़ी बेच रहा हूँ, या आलू छोले बेच के बैठा होगा यार, ले लो अल्लाह के वास्ते मेरे से, जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों की जो बुक में लिखा हुआ उसको कैसे छोड़ दूँ यार, कल कोई क्वेश्चन ऐसा वैसा आ गया वहाँ पे बैठे मुझे बदवाएं दे रहे होगे। कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि आप लोगों के सामने बड़े अदबो एहतराम के साथ जवाब दिया जाए, बट ओवर रिएक्ट ना किया करो एटलीस्ट। जी जनाब करना है यार, यहां से अगर हम इसका यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास ये होता है एफ ओवर क्यू न्यूटन पर कूलम। और अगर हम कूलम्स लॉ को यहां पे यूज करते हैं, वन ओवर फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, इस तरह लिखा जाता था आप लोगों के पास, आप लोगों को पता था क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाता है नीचे, अगर उसके लिए के क्यू ओवर आर स्क्वायर सिंपली लिखा जा सकता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फोर्स को। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यही है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडिली आउटवर्ड जाती हैं बाहर की तरफ, और नेगेटिव की बात करें तो रेडिली इनवर्ड, हम रेडिली मतलब रेडियस के लिहाज से अंदर की तरफ आ रही होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो सो रेडिली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, और रेडिली आउटवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज।
उसके बाद मेरे पास हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो इमेजिनरी फील्ड लाइंस का आता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिन्हें हम नाम देते हैं, जिस जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। मेरा बेटा आपके पास बुक है ना, आप निशान लगा लिया करें, और आपको जहां जहां से मैं चीज पढ़ा रहा हूं वो बुक के अंदर से ही पढ़ा रहा हूं। डोंट माइंड, अल्लाह अकबर। पता नहीं मेरा बेटा आप लोगों को ये चीज़ पॉइंट कहाँ क्लियर आएगा कि अगर कोई ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे स्पीड बढ़ाई जाती है तो जल्दी जल्दी हो भी जाता है, लेकिन अगर कहीं पे मैं खुद स्लोली चल रहा हूँ इट मीन्स देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट। मेरे भाई यहाँ से क्लास के बाद भी दुनिया बड़ी और भी होगी, आपको बातें करने के बड़े मौके मिल जाएंगे, थोड़ा ठंड रखा करें, हौसला रखा करें। आप लोगों ने तो ये समझ लिया पता नहीं यार, ये कि 2-1.5 माह की जो क्लास है ना यही तो हमारी दुनिया, और इसी में जो बात करने है ना वही बात कर लें। यार मैं माइंड करने वाली बात नहीं कर रहा, आप लोग मुझे बताओ कि यू हैव जस्ट ओनली 12 डेज, आप करोगे क्या यार अगर मैं इन्हीं चीजों में आप लोगों का टाइम वेस्ट करता रहूं। तंग की बात नहीं होती, बस एक चीज हमेशा याद रखा करो कि हम अपने आप को जितनी बड़ी फिल्म समझ रहे, सामने वाला बंदा मेरे ख्याल में मिर्जी आपकी दाढ़ी वाइट नजर नहीं आ रही होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना देर नहीं हुआ, लेकिन 7 साल के एक्सपीरियंस हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ हूँ, अभी मैंने इसका मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है, तो मैं बड़े बड़े नमूनों के साथ मेरा वास्ता बढ़ता है मेरी जान। तो आप लोग छोटे बहन भाइयों में हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा मेरा बेटा आप लोगों का जो फोकस है इन दिनों में, आपके पास बहुत शॉर्ट स्पैन है, बहुत कम टाइम है, अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दें। ज़्यादा मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा गुस्सा आएगा, फिर ज़्यादा ज़्यादा डिस्कस करते जाएंगे। खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है एक्चुअली, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को आप अर्थ के अराउंड इस तरह डिनोट करते थे कि यहाँ पे जी ग्रेविटी मौजूद है तो इट मीन्स कि यह ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी तरह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हों वो हमें इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। और उसके बाद हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है, जो टर्मिनेट होती है वो नेगेटिव पे, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इट नेगेटिव। इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं मेरा बेटा, जो नजर नहीं आते, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। खुश रहा करो, लेकिन वो कहते ना अल्लाह के बंदे, वो बात किया करो जिसकी कोई ना कोई समझ भी है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी भी चार्ज के अराउंड, जैसे कि ये मैं बात करूँ, जहाँ पे इसके अराउंड जब नेगेटिव है तो इनवर्ड आ रहा होगा, जहाँ भी इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इट मींस कि आप लोगों को ये चीज़ पता है यार, इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। जहाँ भी ये डिस्टेंस दो लाइंस के दरमियान कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ भी कम ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होगी। कोई नहीं बेटा, आप स्पीड से ही बढ़ाते हैं, देखो क्या होता है। चलो भाई, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़ीरोग्राफी के कुछ पॉइंट्स, जैसे फोटोकॉपियर के, और कुछ पॉइंट्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर आते हैं, और उसके बाद इंजेक्ट मीटर्स के कुछ पॉइंट्स करते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। ये लो फिर स्पीड देख लो, फिर आप लोग ज़ीरोग्राफी की बात करें मेरा बेटा, फोटोकॉपियर कहते हैं इसको। सबसे पहली बात तो मेरा बेटा, ज़ीरोस मीन्स होता है ड्राई एंड ग्राफियस मीन होता है राइटिंग। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि बड़ी मज़ेदार बात है, मुझे एग्जैक्टली उन बंदों के नाम याद नहीं, कि एक बहुत बड़े शायर थे, वो किसी अदब के लोगों के सामने बैठे हुए थे, तो एक इंसान ने ना बड़े अच्छे सूट बूट पहन के आए, तो उन्होंने बोला कि यार मतलब
बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, क्या लुक है, क्या बात है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो बड़े इंस्पायर हो रहे थे। लेकिन उसकी तरफ घूर के देख ही जा रहे थे, देख ही जा रहे थे, तो अगला बंदा परेशान होकर पूछता कि यार मतलब क्या देख रहे हो भाई, खैरियत है, क्यों देखी जा रहे हो? उसने बोला था मैं बस यही चाह रहा था कि तुम बोलो और मुझे तुम्हारे लेवल का पता चले कि तुम बात किस अंदाज में करते हो और तुम्हारा जो एथिक्स का लेवल है वो किस हद तक है। लाइक हम जब बोलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो मेरी जान वो एक ही चीज़ पता चल रही होती है कि हमारी अपग्रोइंग कैसी हुई है और हम अब कितने पॉलिश हैं। अगर नहीं है तो मेरा बेटा, हमारी पूरी ज़िंदगी एक लर्निंग स्टेज, हमें सीखना है, सीखना है तो सीखो मेरा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर सिलेंड्रिकल ड्रम। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो मर्जी करो बेटा, क्या कैसे आ जा सकता है। सिलीनियम इज अ फोटो कंडक्टर, इसके अंदर होता है सिलीनियम। लाइट पड़ने पर वो एज ए फोटो कंडक्टर बिहेव करता है, लाइक एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, अदरवाइज शेडो के अंदर या डार्कनेस में वो एज एन इंसुलेटर बिहेव कर रहा होता है। इमेज जहां पे बनता है ड्रम के ऊपर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, डार्क एरियाज, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मेरा बेटा टोनर की, तो टोनर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और पेपर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये इसमें कुछ पॉइंट्स है, टोनर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, पेपर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर अगर इंजेक्ट प्रिंटर की बात की मैंने मेरा बेटा, तो इंजेक्ट प्रिंटर्स के अंदर जो चार्जिंग कंट्रोल मेक्स द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स न्यूट्रल, इंकजेट प्रिंटर नोजल होती है जिसके अंदर आपने बेटा चार्जिंग कंट्रोल मेक्स द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स न्यूट्रल, जिन्हें हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का भी कहा जाता है। व्हेन प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द पेपर, व्हेन प्रिंटिंग रिक्वायर्ड एंड ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन पेपर, जब हमें न्यूट्रलाइज कब करते हैं, जब हमें प्रिंटिंग रिक्वायर्ड होती है, प्रिंटिंग डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर पैरेलल प्लेट क्वेश्चन विच इन्सुलेट द गटर व्हेन प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। ये वर्किंग मैकेनिज्म है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद मेरा बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सबसे आसान डेफिनेशन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट और एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे रिलेवेंट जो क्वेश्चन बनते चाहेंगे मैं बताता जाऊँगा आप लोगों को, उसमें जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो बता दिया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैसे आप लोगों ने यही सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। नॉर्मल सरफेस एरिया के अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए सरफेस एरिया के ऊपर, उसे हम वेक्टर एरिया कहते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हो मेरा बेटा, तो ये आता है ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये चीज़, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, जब किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगी उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट आर एरिया इस चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं मेरा बेटा। एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट आपके पास मेरा बेटा इसका आता है, एरिया के लिए तो आपको पता है मेरा बेटा मीटर स्क्वायर लेते हैं, ई के लिए आ जाता है न्यूटन पर कूलम, और फिर आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम इसका यूनिट आ गया। इसके अलावा बेटा हमारे यहाँ पे जिस चीज़ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब बात करेंगे, ये जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो प्लेन सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, स्फेरिकल के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, और इसलिए हम वहाँ पर इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते थे। और एंगल हमारे पास यहाँ पर होता है मेरा बेटा, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई, थीटा जो हमारे पास एंगल होता है उस वेक्टर एरिया और ई के दरमियान हम बात कर रहे होते हैं। सरफेस एरिया में जब बात की जाती है तो फिर उसका पैरेलल लिया जाता है, उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों को ये बड़े अच्छे से पता है कि हम हमेशा वही एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम होगा जब आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, इस परपेंडिकुलर मतलब ये आपके पास कोई वेक्टर एरिया है और वेक्टर एरिया की अगर आपके पास या सरफेस एरिया की अगर बात करते हो वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस परपेंडिकुलर टू द एरिया ए अगर आ रहा हो तो एंगल आप वहाँ पे मेरा बेटा क्या लेते हैं 90 डिग्री का। अब या फिर ये बात की जाए जैसे कि ये मेरे पास कुछ सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, लेकिन ये सिर्फ ए है, लेकिन यहाँ पे इसका जो अगर मैं वेक्टर एरिया ड्रॉ करूँ तो इसके जरिए से मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अब ये बात याद रखा करो मेरा बेटा कि यहाँ पे ई और ए अगर वेक्टर एरिया इस नॉर्मल का ड्रॉ करूँ तो वो भी यही आएगा, मतलब इसके हमेशा नॉर्मल जब ड्रॉ करना है तो इट मीन्स ये बात यहाँ से मुझे पता चल रही है कि जब ई और ए आपस में पैरेलल होते हैं तो एंगल जीरो डिग्री होता है। और ये पैरेलल कब होंगे लाइक जस्ट लाइक ये मेरे पास एक बुक आ रही है, ये सरफेस एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, तो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री का होता है उस वक्त जो प्लेन एंगल होता है जो हमारे पास हम वेक्टर एरिया की बात करें तो वेक्टर एरिया अपने नॉर्मल एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मींस मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ई और सरफेस एरिया के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो ई और ए के दरमियान एंगल उस वक्त मेरे पास जीरो होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए मेरा बेटा हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जब को जीरो लेंगे तो मैक्सिमम आती है और जब के दरमियान एंगल 90 डिग्री का आ रहा होगा तो तब हमारे पास मिनिमम आएगा, और अगर जीरो नहीं है 90 नहीं है इन जनरल कोई भी एंगल आ रहा है तो उस वक्त हमारे पास इसकी वैल्यू ई हो कोस थीटा आ रही होगी। बेटा उसकी बात अभी करते हैं, वो कह रहा है मेरा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, क्वेश्चन ये है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम इफ प्लेन ऑफ एरिया मेक्स एन एंगल, इफ plane of area makes an angle, कितना एंगल होगा कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है उसका हाफ हो जाए विद इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले मेरा आपसे पूछेगा 30, 45, 60, 90, तो आप लोगों मेरा बेटा इसको कैसे सॉल्व करोगे। मेरा बेटा आप लोगों से यही चीज़ पूछी गई है कि आपके पास जो फ्लक्स है ई ए कॉस थीटा, ये मैक्सिमम का मेरा बेटा आपके पास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है भाई, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आए वो मैक्सिमम का हाफ आए तो ई ए ई के साथ मैं कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा की अगर मैं वैल्यू यहाँ लिखूँ तो क्या आएगी कॉस इनवर्स 1/2, तो ये मेरे पास मेरा बेटा बन जाएगा आई थिंक सो 60 डिग्री, सो 60 डिग्री इज द बेस्ट आंसर, फिर सॉरी 30 डिग्री बनेगा, हाँ 60 डिग्री तो ये एंगल आएगा। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास अल्फा मतलब जब भी बात करेंगे ना सरफेस एरिया की तो एंगल इस तरह निकाला जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ याद रखना। अभी हमारे पास सरफेस एरिया के दरमियान एंगल था क्योंकि अगर ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज़ किया जाए थीटा के लिए ये होता है वेक्टर एरिया के लिए, जब अपने सरफेस एरिया एंगल की बात करनी है उस एंगल को हमेशा 90 से सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे पास आ रहा था 90 माइनस 60 डिग्री तो आंसर फिर मेरे पास मेरा बेटा क्या बनेगा इसका 30 डिग्री,
आंसर क्या बनेगा मेरे पास, 30 डिग्री इस पॉइंट की जो कॉन्सेप्ट में दोबारा से मेरा बेटा देखो 60 डिग्री आ रहा है जब आप वेक्टर एरिया और ई की बात करते हो, लेकिन यहाँ पे आपसे सरफेस एरिया की बात की गई है और जो सरफेस एरिया के नॉर्मल होता है वो वेक्टर एरिया होता है, इसलिए हम 90 से माइनस थीटा करते हैं जब हमें बात करनी होती है मेरा बेटा सरफेस एरिया की। वेक्टर एरिया की बात तब करें जब ई और ए के दरमियान, यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें मेक्स एन एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन और मेक्स एन एंगल, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो सरफेस एरिया की बात की जा रही है जो मेरा बेटा आपको तंग कर रही है। उसके बाद मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसी सरफेस जो इनक्लोज करती है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमें ये पता मिलता है कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट द शेप ऑफ द क्लोज सरफेस, मतलब वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो फार्मूला आप लोगों के सामने आता है उसको मैं रेल लेता हूँ, इसको जरा नोट डाउन कर लें अगर आप लोगों ने करना है तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज हम इसकी बात करते हैं मेरा बेटा बड़े अच्छे से आप लोगों को बताया इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्यू और एप्सिलॉन नॉट आता है, उसके ऊपर हम लिखते हैं चार्ज इनक्लोज और नीचे लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, चार्ज इनक्लोज्ड नीचे आ गया हमारे पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। उसके बाद मेरा बेटा सबसे पहली बात इसके पॉइंट में यही लिखा जाता है फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ क्लोज सरफेस, जब भी क्लोज सरफेस आएगी तो फ्लक्स की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, तो ये पॉइंट लिखता है कि फ्लक्स is independent of the path या is independent of the shape of closed surface, जिस तरह की मर्जी closed surface हो path जो flux है हमेशा same आएगा, flux is independent of shape, flux is independent of shape of closed surface। शेप ऑफ क्लोज सरफेस। उसके बाद मेरा बेटा जो सेकंड इसका मोस्ट पॉइंट है वो ये है आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब आपके पास जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, तो सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लीव्स अ क्लोज सरफेस तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जा रही हूँ लीव्स अ क्लोज सरफेस हम उसको हमेशा क्या लेते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है आपके पास पॉजिटिव आएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव नहीं करके बल्कि एंटर हो रही है एंटर द क्लोज सरफेस तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू जो वो के नेगेटिव आ जाएंगे मेरा बेटा, और इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के लिए हम जब बात करेंगे जैसे कि आप लोगों के पास फॉर्मूला है सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिंपली जब डायलेक्ट्रिक आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर का जो फैक्टर है वो इसके साथ आके ऐड हो जाएगा, और मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही कम होगा, इनवर्स रिलेशन में आ गया डायरेक्ट आपके पास मेरा बेटा ये चार्ज के साथ आता है। उसके बाद मेरा बेटा गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो गॉसेस लॉ और एप्लीकेशन में सबसे पहले चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस या इनक्लोजिंग अ सरफेस या क्वेश्चन सरफेस की बात करते हैं, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है लेकिन इंटरनली किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इनक्लोज थ्रू अ सरफेस, सबसे पहले गॉसेस लॉ की जो डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे, फिर इनसाइड अ चार्ज होलोस्फीयर की बात करते हैं। इसको मेरा बेटा आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो आप लोग ले सकते हैं,
थैंक यू सर। Gauss's law and its applications. गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशंस की बात की जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज वन ओवर एप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज वन ओवर एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में लिखेंगे आप टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। उसके बाद मेरा बेटा सबसे पहली एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर यहां पे सब पे यहां पे चार्ज मौजूद है उसके। उसके बाद अगर उसके इंटरनली बात की जाए सिस्टम का हम यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। उसका जो रेडियस है उसको आर प्राइम कह देते हैं, उसके रेडियस को आर कह देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ से बड़े अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रही है कि गॉसियन सरफेस में किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी मेरा बेटा, जीरो होगी, क्योंकि आपके पास ई एफ ओवर क्यू आ जाता है। उसके बाद मेरा बेटा मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर इज जीरो। ये तो आपके पास मेरा बेटा क्या आ गया, जीरो आ गया। इसके अलावा अगर क्योंकि वहाँ अगर ये जीरो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि ई डॉट ए है वो भी क्या होगा जीरो। अगर ये जीरो होगा तो फिर आप ये बात सकते हो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज है वो भी, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में जो जो जो, जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास मेरा बेटा क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हम कैलकुलेट करते थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ में ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, और यहां पे भी आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं और इसके दोनों एंड के ऊपर जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होता है या सिग्मा, यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ई की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आ रही होती है सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर यूनिट वेक्टर हम इसको डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब मेरा बेटा जो सिग्मा होता है वो कितने एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, लाइक सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस। जैसे कि आप लोगों को दिखाया गया है अगर मैं फ्लक्स की बात करूं कि यहां पे सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस में इन लोगों का जो फ्लक्स आता है आप लोगों को पता है कि वो हमेशा होता है 2EA के इक्वल, 2EA के इक्वल आता है। क्योंकि एप्लीकेशन हमारे सामने आती है मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो वहां पे 2 नहीं आता, बस जो आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है आपके पास। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास जो फार्मूला आता है ई का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर आ जाता है, ये जनाब हमारे पास 2 नहीं आता है यहाँ पे, और जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर रेक्टेंगुलर बोस शीट का जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमारे पास ई ए के इक्वल आता है। तो ये चीज़ें थी मेरा बेटा आपके पास, एक MCQs आप लोगों से पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, दो सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो सब
बेटा दो सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स के तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स के तरह, दोनों का चार्ज बिल्कुल सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव लाइंस नहीं शो होंगी, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमेशा जीरो आए। और उसके बाद अगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि लाइक इफ देयर आर फाइव चार्जेस ऑफ फाइव कूलम थ्री कूलम फोर कूलम इनसाइड अ होलो मेटल स्फीयर द टोटल फ्लक्स थ्रू द मेटल स्फीयर विल बी, टोटल फ्लक्स अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना हो, मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं। एक एमसीक्यू ये था आपके पास कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना टू सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान तो वो जीरो आएगा। अगर आपके पास अगर फाइव चार्जेस ऑफ वैल्यू वैल्यूज आपके पास मेरा बेटा ये है फाइव कूलम थ्री कूलम फोर कूलम, फाइव कूलम प्लस का है प्लस फाइव कूलम माइनस थ्री कूलम प्लस फोर कूलम, उसके बाद हमारे पास आ गया मेरा बेटा माइनस टू कूलम एंड माइनस फोर कूलम की अगर बात की जाए इनसाइड अ होलो मेटल स्फीयर, इनसाइड अ होलो मेटल स्फीयर, तो आप लोगों के जेन में सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए वो इनसाइड अ होलो मेटल स्फीयर में आप कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हो वो फार्मूला आना चाहिए। द टोटल फ्लक्स विल बी तो आप खुद कहते हो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट द टोटल फ्लक्स। अब कंडीशन आपको बता दी गई है कि आपके पास इनसाइड होलो मेटल स्फीयर है, तो जहरी सी बात है फिर आप वही फार्मूला यूज करेंगे क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट का, यही रिलेशन आता था आपके पास इनक्लोज सरफेस के अंदर। आंसर है आपके पास प्लस फाइव माइनस थ्री, ये चार्जेस है प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू माइनस फोर। सो ये देखें नीचे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो वैसे की वैसी लिख दी, लेकिन एक चीज़ यहाँ से मुझे क्लियर हो रही है प्लस फाइव और प्लस फोर प्लस नाइन होगा, इसी तरह माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर ये भी नाइन होगा, नाइन माइनस नाइन जब मैं करूँगा तो मेरे पास जीरो आंसर आएगा, तो अगेन मेरे पास इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर आ गया वो जीरो। आपको शेप बताई गई होगी, आपको चार्जेस की वैल्यू बताई होगी और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। चले मेरा बेटा अगेन उसी सिमिलर इसी तरह सेम चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान वाला जो क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नियर एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स देन विच रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ पे इसको रेज करता हूँ और आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि भाई अभी आप लोगों ने इसका आंसर क्या बताना है। कि आपके पास फर्स्ट ये कर लें, इफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, If A is electric field near, ये ध्यान से सुनिएगा, near an infinite sheet of charge, near an infinite, infinite बोलते हो आप sheet of charge, E की value क्यों है, if हमने electric field किसी electric field को नाम दे दिया near infinite sheet of charge, और E prime is electric field, E prime is इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, अभी मैंने ये बताया था बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, टू सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, देन विच रिलेशन इज करेक्ट, then which relation is correct, तो सबसे पहले फिर जो सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या होगा, ए बी सी और डी चार ऑप्शन की मेरा बेटा मैं बात करता हूँ। ई प्राइम इज इक्वल टू वन ओवर टू ई ई ये होगा, ई प्राइम को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स का, या फिर ई इज इक्वल टू होगा वन ओवर टू ई प्राइम, या फिर मैं ये कैसे लिख सकता हूँ कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा, या फिर आपके पास जो ई प्राइम है वो जीरो इंटू ई होगा,
तो मेरा बेटा जो करेक्ट आंसर बनता है वो मेरे पास डी बनता है, इसलिए बनता है कि बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अगर मैं ई प्राइम की वैल्यू देखूंगा तो ई प्राइम की वैल्यू तो मेरे पास क्या है कि मेरा बेटा जीरो, और अगर मैं ई को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूँ तभी आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो बन सकती है कि इसके दरमियान जो आंसर है वो जीरो हो सकता है। हमने अपने क्वेश्चन में दिए गए पॉसिबल आंसर में से हमेशा अपना आंसर कैलकुलेट करना होता है। और अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट सिमिलर की वजह से अगर आप यहाँ पे सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान तो ई की वैल्यू प्राइम की वैल्यू जीरो आ गई, लेकिन यहाँ पे अगर सिमिलर की जगह पे आपके पास ऑपोजिट का वर्ड ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का वर्ड लिखा होता तो फिर ई प्राइम जो आपके पास है वो तो है मेरा बेटा सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ठीक है सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद अगर ई की बात करें तो वो भी सिग्मा ओवर टू और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो फिर ये वहां पे रिलेशनशिप बन जाता है वन ओवर ई इज इक्वल टू वन ओवर टू ई, वो तब होता है जब हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आते कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती। चलें अभी इसका जो कुछ पोर्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए ग्रेडियंट एब्सोल्यूट, और मतलब तीन से चार टॉपिक्स हैं और इवन के जो लास्ट वाले जो दो टॉपिक्स हैं वो अगेन एक एक घंटे के हैं। तो कल कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 12 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करें और चैप्टर नंबर 13 का स्टार्ट करें। मैं आपको बता दूं कि इनमें से दो से तीन चार चैप्टर ऐसे हैं सेकेंड ईयर में से जिसमें अच्छा खासा इवन के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक एक दो दो घंटे का टाइम लेते हैं। तो कोशिश होगी मेरा बेटा कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अंदाज में क्लियर कर दिए जाएँ, और कोशिश किया करें मेरा बेटा कि ड्यूरिंग द क्लास जहरी सी बात है कि अगर हम ब्रेक ले रहे हो कोई खा पी रहे हो तब तो ये चीज़ समझ में आती है कि यार देर इज समथिंग रॉन्ग, और अदरवाइज मेरे ख्याल में जो फिर बात की जाती है ओवर एक्ट होती है। और बाकी आप लोगों की जो सजेशन हैं उन पर गौर किया जाता है, और सजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे को हुक्म कर रहे होते हैं। आप लोगों का अभी जो टेस्ट है वो मेरा बेटा स्टार्ट हो जाता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो आप लोगों के एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होंगे जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3 उसके जो भी एमसीक्यूज होंगे उनको मज़ीद एक छोटी सी वीडियो बना के मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि इसका आंसर किस तरह कैसे आता है। स्टार्ट द टेस्ट, और मैं जा रहा हूँ इसको कर दीजिएगा।